पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। वर्किंग वुमेन्स के लिए अपना करियर परसू करना उनकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, उनका चॉइस होना चाहिए। दीदी सोई नहीं क्या आज? कोई नहीं सोया हेमा, राधिका का इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है ऑफिस में, सब उसी की तैयारी में लगी थी। झांसी के लेटा, प्रेजेंटेशन रेडी है। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये तो बता रही थी कि तुम्हारे ऑफिस में आज तुम्हारा बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, कुछ प्रेजेंटेशन है ना, तो बस गुड लक वाला दही चीनी तो बनता है, ये लो। क्या हुआ बेटा? अरे सबसे बेस्ट एंड है, थैंक यू। गुड लक अगेन। थैंक यू, बाय। सुन, वो साहिर साहब का असिस्टेंट आया था तेरे नाम का पार्सल लेके, उसे सबके सामने बोल दिया कि उसने अजीत को मार्केट में देखा था, तो हमने रंजीत बोल के बात संभाल ली तो तू बची है। सच सच बता, इसके साथ गया था, कहाँ गया था, क्या करने गया था? उसने किसी और को देखा होगा तत्ता। ए लवी इधर देख, हमारे साथ होशियारी मत मार, वो तो सब गुड्डी को लेके टेंशन में है घर में, उनको पता चला ना तेरे 3-5 के बारे में, तो सबके सब मिलके ना तेरी। तो फिर दत्ता, तो आपके बारे में अगर पता चला घर पे तो और भी बड़ा बवाल हो जाएगा, है ना? हमें पता नहीं है क्या? अपने दोस्तों की बातों में आकर पता नहीं कौन से फालतू उलट सुलट स्कीम में पैसे लगा रहे। 10,000 का जुगाड़ करना है तुम्हें, बस 10 गुना रिटर्न की गारंटी, एकदम ताबड़तोड़ स्कीम है, और ये फॉरेन में तो बहुत हिट है। तुम्हें क्या लगता है ये फिरंगी लोग बिना किसी काम धाम के इंडिया घूमने आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं पैसे? इसी सबसे गुरु, मेहनत तो गधे भी करते हैं, इंसान को स्मार्ट बनना चाहिए। हम करते कुछ जुगाड़, सर पे पहले से बहुत सारे कर्जे हैं ना, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। और एक मिनट, ये लगाने के लिए पैसे लाओगे कहां से? ये सिर्फ हम नहीं, अगर ये बात पापा और चाचू को अकर तो वो लोग भी आपसे यही सवाल पूछेंगे दत्ता। सबकी पर्सनल लाइफ होती है, तो उसको पर्सनल ही रहने देते हैं। तो पर्सनल लाइफ जीने का राधिका को नहीं है ना, बाकी सबको है। हा? इतनी बड़ी हुई नहीं है दद्दा, वो बहक गई है, इसलिए बार बार कलेश हो रहा है सबके साथ। गुड्डी, आज तुम्हारा वो है ना प्रेजेंटेशन? हाँ। सुबह झंडे काट देना गुड्डी। मम्मी पापा कैसे हैं? फोन नहीं उठा रहे, हमारा कॉल बैक भी नहीं कर रहे। गुड्डी तुमको वो स्टील का डब्बा याद है, चाय पत्ती वाला? कभी कभी इतना कस के बंद हो जाता था कि सब थक जाते थे कि जे नहीं खुलेगा, पर तुम नहीं थकती थी, छक मारती रहती थी और अंत में खोल देती थी। गुड्डी तुम्हारे पापा भी ना स्टील के बंद डब्बे जैसे हैं, तुम छक मारती रहो गुड्डी, एक दिन जरूर खुलेंगे। ठीक तो हम है ही मम्मी, तब तक कॉल करते रहेंगे जब तक पापा हमसे बात नहीं कर लेते। तुम बस अभी अपने काम पे ध्यान दो गुड्डी, हम वहां होते ना तो तुमको दही शक्कर खिलाते। मम्मी आज इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था ना, तो खा लिया हमने दही शक्कर, वृंदा आंटी है ना उन्होंने खिलाया हमें। हाँ तो समझना कि वो हमने ही खिलाया। चलते अभी मम्मी, बाय। गुड मॉर्निंग सर।
So, ready, madam? Yes, sir. All set, boys? Yes, sir. Wow. ये तो already victory वाला yes sound कर रहा है. Good, good. I like the confidence. Anyway, so meet Vinayak, head of corporate affairs. Hello, sir. Hello, sir. So, Sameeksha, Vinayak, इन सब के प्रेजेंटेशन के बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि हमारा इस साल का फाइनल CSR प्रोजेक्ट कौन सा होगा. यू गाइज आर मोर देन वेलकम टू गिवन योर इनपुट्स. सो शुरू करें. ब्लैकमेल नहीं करने का समझी? फोन रख. हाँ आंटी. आंटी मैं घर पर ही हूं बट यहां तो प्रीति है ही नहीं. हाँ आंटी. आंटी और कोई है भी नहीं जिससे मैं पूछ सकूं कुछ. आंटी आप परेशान मत हो, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं हुआ प्रीति के पापा को. आप प्लीज रिलैक्स कीजिए, जैसे ही वो मुझे मिलती है मैं उसको ले आऊ, मैं बता दूंगा उसके पापा की तबीयत बहुत खराब है, उसे घर बुला रहे हैं. हाँ आंटी. नमस्ते. सुनो, प्रीति को ढूंढ रहे हो? हेलो आंटी, वो प्रीति के पापा की तबीयत बहुत खराब है तो. हाँ हाँ सुना मैंने. आंटी वो उसका फोन भी नहीं लग रहा और मेरे पास कोई दूसरा नंबर भी नहीं है तो. आंटी आप प्लीज अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी. उसके पापा को कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस वो एक बार प्रीति से मिलना चाह रहे हैं आंटी. अरे शुभ शुभ बोलो, कुछ नहीं होएगा उनको. मलाड में सिटी वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल करके है, वहां पे शिफ्ट हुई है प्रीति. थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच. हेलो, सिटी वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल मलाड. So this was the idea for college girls development campaign. Thank you. Well done, Karthik and gang. Thank you, sir. Your turn, madam. Yes, sir. I'm so sorry. शायद कुछ टेक्निकल इशू है, हम एक सेकेंड देखते हैं. राधिका, चिल, डोंट पैनिक. वैसे भी गाइस, लड़कियां बहुत जल्दी पैनिक हो जाती है, राइट सर? जैसे मिस क्राइसिस के साथ क्राइसिस ना हो, इट्स इम्पॉसिबल. चलो लेट्स कॉल द आईटी गाय एंड नो समीक्षा, क्या है ना, कार्तिक का प्रेजेंटेशन इतना एग्जॉस्टिंग हो गया था कि शायद वायर थक के लूज हो गया प्रोजेक्टर का. हमारे घर में झांसी में एक फ्रिज है जो हर दूसरे दिन ठंडा पड़ जाता है. अब झांसी में मुंबई जैसे मैकेनिक्स तो होते नहीं जो फटाक से आके सॉल्व कर दे प्रॉब्लम, तो किसी को बुलाना पड़े तो कम से कम 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं. अब अगर इतनी देर में हमारी बड़ी मम्मी की फेवरेट कटहल की सब्जी खराब हो गई तो बवाल ही मचा देती है वो. इसीलिए हमें ये फ्रिज भी ठीक करना पड़ता था. झांसी स्मॉल टाउन में सब लोग अपने घर की चीजों का भी नाम रख देते हैं ना, तुम्हारे फ्रिज का भी कुछ नाम होगा. ठंडे लगन. हो गया. पापा, हम सोच रहे थे मेनू में थोड़े नए आइटम्स डालने के लिए, जैसे कि सैंडविचेस, रोल्स, क्योंकि हमारे समोसा चाट बेस्ट है लेकिन सब लोग समोसा चाट खाते नहीं है ना. अगर हम लोगों को ऑप्शन देंगे ना तो वो हमारा ऑप्शन ढूंढना चालू कर देंगे. लकी, किसी दुकान से लाके तो नहीं बेच सकते ना बासी सामान. अब मेनू में नई चीज डालनी है तो उसके लिए खर्चा लगेगा, सामान लगेगा, लोग लगेंगे, इन सबका खर्चा कहाँ से आएगा? लकी, तुम्हारे चाचू नहीं आए खाने? हाँ चाची, वो कह रहे थे उन्हें भूख नहीं है. सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, निहार मुंह बस चाय पीकर चले गए. जब मन बाहर तक भरा हो तो खाना कैसे अंदर जाएगा? लकी, हम कुछ बांध देंगे उनके लाने, तुम जिद करके खिला देना उन्हें.
चाची हम कोशिश करेंगे, जिद तो चाचू पकड़ के बैठे हैं। जिद है तो है, हम जैसे छोटे शहर के लोग ऐसे ही होते हैं सर, अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो करके ही मानते हैं। I know, I know। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।